हिमाचल प्रदेश में उपचुनाव है और उपचुनावों में जो देहरा की सीट है वो हॉट सीट बन चुकी है, क्योंकि यहाँ पर मुख्यमंत्री सुखिंदर सिंह सुक्खू की पत्नी कमलेश ठाकुर यहाँ से चुनाव लड़ रही है। और बीते कल एक और बात कही जा रही थी कि डॉक्टर राजेश जो है वो निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो तस्वीर मीडिया के सामने आई कि मुख्यमंत्री की गाड़ी में डॉक्टर राजेश उतरे और उन्होंने कमलेश ठाकुर का समर्थन किया। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए कुछ डॉक्टर राजेश हैं। सर, आपने तो निर्दलीय चुनाव लड़ने का आप बात को समझिए, मैंने क्लियर कट बोला था दो सेट फॉर्म के बरोबर, एक कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर और दूसरा इंडिपेंडेंट के तौर पर। मुझे पूरा विश्वास था, मुझे जब मैं फॉर्म भरना था उसे मैंने कांग्रेस पार्टी के सब से बातचीत चल रही थी, लेकिन देने वाले कौन थे, मिल गुहार किसके के आगे। तो जो ये रणनीति पर्दे के पीछे के चलती है, मैं इसको ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू जी की सोच बोझ मानता हूँ। उन्होंने सारे घटनाक्रम को बड़े अच्छे से हैंडल करा, उनके कई मित्र थे, मंत्रिमंडल के मित्र इन टच रहे और एमिकेबल सोल्यूशन निकला, जिसमें कि डेरा से मेरी एग्जिट भी अच्छी हुई। मैंने उनसे ये वादा लिया कि डेरा से चार लोगों को जो भी नाम उनको दूंगा कांग्रेस पार्टी के होंगे उनको चेयरमैन बनाया जाएगा। उन्होंने मुझे बोला आप बनना, मुझे अभी नहीं बनना है, मैं पार्टी के लिए समर्पित हूँ जब भी होगा। उसके साथ उन्होंने बोला कांगड़ा विधानसभा क्षेत्र जहाँ पर बड़े सालों से जीतने ही नहीं है, आप काम करिए आपको फ्री हैंड दिया जाएगा। उन्होंने उसकी इंस्ट्रक्शन भी दे दी, ये कोई गिव एंड टेक नहीं है। बेसिकली मैं पूरे तौर से कांग्रेसी हूँ और जो ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ना तो मेरे लिए नई बात है। लड़ते हैं फिर पार्टी वापस आ जाते हैं, पार्टी हमारी है, अपने परिवार में गुस्सा होगा गुस्सा जाहिर करेंगे, पार्टी थोड़ी छोड़ेंगे। पर मुझे इस बार लगा कि शायद मेरा ऐसा करने से देहरा का हित हो रहा है कि देहरा में इस बार आम कैंडिडेट नहीं आ रहा, ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू जी खुद आ रहे हैं, अपनी वाइफ के रूप में हमें प्रत्याशी दिया है, सरकार भी कांग्रेस की है, तेरा के पास जो एक मौका है, उसे 20 से 22 वर्ष में हम नहीं जीत पा रहे, ये बड़ा सुनहरी मौका है, सुनहरी मौका कहीं मेरे कारण खराब ना हो। पूरे दिल से मानता हूँ कि जो ये इलेक्शन है ठाकुर सुखिंदर सिंह सुक्खू जी के चेहरे पर लगा है, हम जीतेंगे। एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है जिसमें मुख्यमंत्री गाड़ी से जब उतर रहे हैं तो आपको थोड़े गिरते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ कुछ और जो हमसे बात हुई कुछ और दर्शा रहे हैं कि जबरन आपको ले जाया गया। ऐसा नहीं है, वो गिरे थे, जबरदस्ती कोई किसी को नहीं ले जा सकता, डॉक्टर राजेश शर्मा को स्पेशली नहीं ले जा सकता, ये भारतीय जनता पार्टी वाले आ जाए नई पौध है। मैंने कि जो असूली आदमी हिमाचल प्रदेश जिसने बीजेपी की सरकार को बीजेपी को एस्टेब्लिश करा, आदमी शांता कुमार 2014 में MP के इलेक्शन लड़ रहे थे, तब मैं कांग्रेस राज लड़ा था, वोट लिए हुए थे, मुझे बोलने की आप बीजेपी ज्वाइन करिए और 2019 में आपको MP का टिकट कांगड़ा से देंगे बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, जब उनको मैं मना कर सकता हूँ, ये तो अभी नए नए पैदा हूँ, उनकी बातों कितना विश्वास कर। हम चाहे ठाकुर सुखू जी हैं, राजा वीरेंद्र सिंह जी हैं, कांग्रेस के एक बड़े नाम रहे, ऐसे बीजेपी में दो नाम बड़े रहे, एक धूमस भाई धूमस और एक शांता कुमार, जिन्होंने आदर्श स्थापित करे। हम उन सभी जो चारों नेता हैं उनके आदर्शों चलने की कोशिश करते हैं, तो मकसद एक ही है जनता की भलाई। और मुझे लगा जो मैंने निर्णय लिया है और साथियों से मिलकर निर्णय लिया है, अकेला नहीं लिया है, तो मेरे साथी इंडिपेंडेंट में जा रहा तब भी मेरे साथ खड़े थे कांग्रेस के साथी, उसे मिलकर निर्णय लिया है, मैं अपने निर्णय से अपने एक बड़े गंभीर आरोप लगाए थे मुख्यमंत्री पे और उनके खास लोगों पे, आपको जान का खतरा, आपके परिवार को जान का खतरा है, तो मैंने बोला मेरी अपना अनुभव अच्छा बताइए, बोला ऐसा कुछ नहीं था, बल हमारी आपको ऐसा क्यों लगा फिर। अरे एक आदमी 10 बजे आप 4 बजे आप शिमला पहुंचते हो, 2 घंटे आप सोते हो, 10 बजे आप ओकओवर पहुंच जाते हो और 10 बजे से लेकर 7 बजे तक ओकओवर बैठे हो आप, मैं तो यही बैठा हूँ ना, लोग चेंज होते जा रहे हैं, जाकर समझा रहे हैं साथ ही समझा रहे हैं, पर मेरा एक माइंड सेट फिक्स हो जाता है, बाहर से वाइफ का फोन आता है आपको जान का खतरा है, बेटिया का फोन आता है पापा सीएम से निकली जान का खतरा है, पत्रकार बंधुओं का फोन आता है आप पत्रकार बंधुओं का विश्वास करता हूँ और वो भी ऐसा बोल रहे हैं, तो मेरा मेंटल मेकअप ऐसा बन जाता है मैं निकलना भाई, मैंने हकीकत क्या है फिर हकीकत जो बोली अखबार उसको बेटे ने
पसंद नीचे बोल चुका हूँ, किचन में पत्थर निकालोगे बदबू, हमें खुशबू फैलानी, और आप बदबू फैलाने में विश्वास करते हैं, भारतीय जनता पार्टी बात मानिए, खुशबू फैलाने में विश्वास करते हैं, तो मेरी बात मानिए। जो है कमलेश ठाकुर की जीत के लिए आप उनके साथ खड़े यार, क्या दिल फाड़ के दिखाएं अब, ऐसे मत करो, मैं प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरे मुंह में अपने वर्ड या बीच में वर्ड डालने की आप मंशा या चेष्टा ना करिए। ये सब सवाल पूछ रहे हैं जो एपिसोड हुआ था उसमें, वो काफी हमने पहली बार आपको ऐसे देखा। मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग आदमी हूँ, अभी भी स्ट्रॉन्ग हूँ, पर ऐसा है कि साथ इंसान हर बंदे की एक टेंशन से स्ट्रेस लेवल सहन करने की ताकत होती है, शरीर ताकत जवाब देगी। चलो सवाल दूसरी तरफ लेके जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी ने होशियार सिंह को प्रत्याशी बनाया है और रमेश धवाला भी नाराज है। ये सब कुछ तय सुख ठाकुर सुनने सब कुछ कहे, मेरे पास अथॉरिटी नहीं ठाकुर जी धवाला जी से जाकर बात करें, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ आप क्या करेंगे, आप उसको किस तरह देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने नया प्रत्याशी उतारा है और धवाला जी नाराज है। मैं सिर्फ इस तरह देख रहा हूँ कि हमें अपनी भाभी कमलेश जी के साथ हर कदम पे कदम मिला के चलना है, जो दिशा निर्देश वो देंगे उसको पूरा करेंगे। मैं अपनी भूमिका एक सिपाही के रूप में देख रहा हूँ, ठाकुर सिंह ने सुखी जी को बोला है कि सेनापति देरा का मैं हूँ, कि पिछले इलेक्शन मैंने लड़ा है, 27 तक सेनापति मैं ही, हमारी भाभी आई है उनकी रक्षा के लिए सेनापति साथ साथ चल रहा है, जब भी बोलेंगे काम करूँगा, कर रहे हैं, कहीं से रिपोर्ट आती है गड़बड़ आप मुझे बताइएगा, मैं साथियों को बोलूँगा, ऐसा कुछ है नहीं। और मैं आपसे अपने दिल की बात कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिशियन, मैं सोशल वर्कर हूँ, और सोशल वर्कर के नाते मैंने एक बड़े